कक्षा 9 विषय हिंदी, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। गद्य 11 एक यात्रा य भी। यह एक यात्रा यानी प्रवास वर्णन, इसके लेखक हैं रामदरस मिश्रा। जन्म सन 1924। देखें रामदरस मिश्र जी का परिचय। ये तस्वीर दिखती है आपको, वो रामदरस मिश्र लेखक की है। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। लेखक ने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुत चर्चित उपन्यास है जल तट टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठिया, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। तस्वीर में आपको आम के पत्ते किताब देखने मिलती है। आपकी कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। इसमें स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। तस्वीर में आपको एक ऑटो रिक्शा और एक भारतीय स्त्री देखने को मिलता है। अब पाठ की शुरुआत करें। मैं बहुत यात्रा भिरु हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। लेखक कहते हैं मैं बहुत यात्रा भिरु हूँ। यात्रा भिरु यानी मुसाफरी से डरने वाला, यात्रा से डरने वाला। तो लेखक कहते हैं मुझे मुसाफरी करने से, यात्रा करने से बहुत डर लगता है। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। पाला पड़ना यानी कि यात्रा के दौरान कैसे कैसे लोग मुझे मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंटसंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। सबसे अधिक असहजता जो सहज नहीं है वह मुश्किली यह अनुभव होती है कि अंटसंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। जो हम कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऑटो करना पड़ता है। तो वह हमारे नए शहर में गए हो तो हमारे पास से अपनी अंटसंट यानी मन की इच्छा के अनुसार उसे जो जितना मांगना हो इतना किराया मांग लेते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे यह भी चिंता बनी होती है। इसके सिवा हम जिस शहर में जाते हैं उस शहर में कैसे लोगों से हमारा परिचय होगा, कैसे लोग मिलेंगे। कहीं कोई अच्छा मिले, कहीं कोई बुरा मिले, कहीं कोई उसे धोखेधड़ी से ठग जाए, ऐसे लोग मिले तो इस बात की भी चिंता रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक कहते हैं कि इस बार उसे एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही
प्रख्यात शहर है, उसका किला, ग्वालियर का किला, वह भी प्रसिद्ध है। और वहाँ गुजरात, इसके सिवा राजवंश, तोमर आदि की ये राजगद्दी रही है, तो लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा था। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। यात्रा के दौरान उसकी पत्नी भी उसके साथ थी इसलिए आश्वस्ति, आश्वस्ति का अर्थ होता है आश्वासन या दिलासा, तो उसे बहुत ज़्यादा संतोष था कि अकेला नहीं हूँ। स्टेशन पर उतरते ही ओटे वाले पीछे पड़ गए। जैसे लेखक स्टेशन पर से उतरे तो वहाँ कहीं बाहर जाने के लिए ओटे वाले लाइन लगा के खड़े ही होते हैं, तो इसमें से ऑटो रिक्शा वाला उसके पीछे पीछे आने लगा। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। ऑटो वाला बोलता रहा लेकिन लेखक बिना बोले ही आगे चलते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। इन ऑटो वालों में से एक नवयुवक, नवयुवक सामासिक शब्द है, इसका विग्रह करें तो नया युवक, यह कर्मधारय समास है जिसमें विशेषण की विशेषता दिखाया जाता है। तो एक युवान ऑटो वाला है, वह हमारे साथ चलने लगा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई। लेखक कुछ भी कहे बिना वैसे ही आगे चलने लगे, तो उस ऑटो वाले ने आवाज़ दी, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। वह ऑटो वाला आवाज़ देके कहता है लेखक को कि बाबूजी आखिर तुम इस शहर में आए हैं तो आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और जाने के लिए आपको ऑटो तो करना ही पड़ेगा, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं कर लेते। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। ऑटो वाले की आवाज़ में कुछ लेखक को जिद का स्वर सुनाई दिया और उसको इसके प्रति आकर्षण महसूस हुआ। महसूस होना यानी अनुभव करना, तो उसने ऐसा आकर्षण अनुभव किया कि लेखक ने उसे स्वीकृति, स्वीकार कर लिया कि हाँ हम तुम्हारे ऑटो रिक्शा में चलते हैं। तो यह ऑटो रिक्शा की तस्वीर है। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। ऑटो रिक्शा में बैठने पर वह ऑटो वाला हमारे साथ बहुत ही लागणी से भरी, प्रेम से भरी बातें करते करते हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाए। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे, उसने जो किराया बताया वह लेखक ने उसे दे दिया और उसने डॉक्टर की घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। घर की कॉल बेल बजाने से पता चला कि डॉक्टर ने जो स्थान बताया था वह स्थान उसने बदल दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। लेखक तो डॉक्टर को मिलने गए लेकिन वह ऑटो वाला बिना कहे लेखक का इंतजार कर रहा था। इंतजार करना यानी प्रतीक्षा करना, राह देखना। हमें नई जगह पहुंचा दिया। वह ऑटो वाला तो वहीं खड़ा था। लेखक जब बाहर निकले तो उसने जो नई जगह अस्पताल की बताई थी वहाँ ऑटो वाला लेखक को पहुँचा देता है। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। लेखक कहता है कि कहो अब तुम्हारा कितना पैसा निकलता है देने को। बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। ऑटो वाला कहता है कि साहब आपको जो इच्छा हो वो मुझे दे दीजिए,
वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। कहता है डॉक्टर के घर से यहाँ ले आया तो उसका किराया तो अतिरिक्त ज्यादा हो गया ना। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? नई जगह पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच के ऑटो वाला पूछता है कि बाबूजी यहाँ आप डॉक्टर को मिलेंगे, उसके मिलने के बाद आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेखक कहता है, उसका जवाब देता है कि मैं एक होटल में ठहरा हूँ। उस होटल का नाम बता दिया। बाद ऑटो वालों को कहा कि भाई तुम जाओ, मैं यहाँ डॉक्टर से मिलूँगा, तो वह उसकी मुलाकात में मुझे देर लग सकती है। यह आप देख रहे हैं अस्पताल का तस्वीर। वह कुछ बोला नहीं, बात तो बिना बोले वहाँ खड़ा रहा। हम डॉक्टर के पास चले गए और लेखक डॉक्टर को मिलने के लिए चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद लेखक जब बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि वह ऑटो वाला जो था वह उसका इंतज़ार करते हुए वहीं खड़ा है। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। ऑटो वाले के इस व्यवहार से लेखक ऐसा अनुभव करने लगता है कि यह ऑटो वाला तो दूसरे ऑटो वालों जैसा नहीं है, यह सबसे अलग है। वह हमारे भीतर करता गया। उसका व्यवहार से लेखक को अपनेपन का अनुभव होने लगा। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? होटल पर लेखक को छोड़ गया और वहाँ पूछा कि अब मैं तुम्हें लेने कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? ऑटो वाला पूछता है कि आप इस शहर में आए हैं तो इस शहर में देखने के लिए आपको घूमना फिरना तो होगा ही ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। तुमको जिस स्थान पर, जिस जगह पर जो देखना हो उस जगह मैं अपनी ऑटो में ले जाऊँगा। वैसे यहाँ कब तक है? लेकिन आप इस शहर में कब तक ठहरने वाले हैं, यानी कितने दिनों तक आप यहाँ रुकेंगे? कल शताब्दी से लौटेंगे। लेखक उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम तो कल ही शताब्दी ट्रेन से वापस अपने गांव जाएंगे। तस्वीर में आपको देखने मिलते हैं ट्रेन, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? तो लेखक को कहता है, कल ही आपको लौटना है, तो मैं आपको शहर में घुमाने के लिए कब यहाँ आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक ऑटो वालों को कहता है, आज तो हमें मुसाफरी का बहुत थक लगा है, इसलिए थके हुए हैं। हम आज तो आराम करेंगे, कल हम शहर घूमने जाएंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। इस तरह तस्वीर में आपको मोबाइल दिखाया गया है। तो ऑटो वाला कहता है कि साहब यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे चाहे तब फ़ोन करके बुला लेना। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक ऑटो वालों को कहता है, ये तो सही, आपने मोबाइल नंबर तो दिया, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है वो तो तुमने बताया नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। ऑटो वाला कहता है कि मेरा नाम मोहन है। लेखक कहता है कि आपका नाम तो अच्छा है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। दूसरे दिन ऑटो वाला होटल पर आ जाता है।
और लेखक और उसकी पत्नी को घूमने के लिए ले जाता है। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। ऑटो वाला लेखक को एक के बाद एक जितने भी देखने लायक स्थान थे वह सब स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। लेखक कहता है कि ऑटो वाला मुझे बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा यानी माँ के नाम से पुकारता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। लेखक और उसकी पत्नी होटल के एक कमरे में बैठते हैं। तभी वह ओटे वालों को भी अपने कमरे में चाय पीने के लिए बुला लेते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया। ओटे वालों को बहुत संकोच होता है और वह संकोच के साथ अंदर प्रवेशता है। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। चाय पीते पीते पारिवारिक वार्ता यानी कि कौटुंबिक संबंधी बातचीत है वो उसके साथ शुरू हुई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखक की पत्नी ऑटो वालों से कहती है कि बेटा तू इस ग्वालियर शहर का ही निवासी है? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। ऑटो वाला कहता है कि ना अम्मा यानी माँ, मैं मूलतः आगरा का हूँ, मेरा घर या मेरा गांव मूल आगरा ही है, लेकिन आगरा को छोड़कर मुझे यहीं आना पड़ा। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है। जब ऑटो वाला अपनी बात सुनाता था तब उसके मन में दुख हुआ और वह अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता और थोड़ी देर के लिए बोल भी नहीं पाता, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। दुख के कारण ऑटो वाला नहीं बोल पाता तो वह भी बिना पूछे चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह स्वयं कहने लगता है, आगरा में अपना घर है। कहता है कि आगरा में मेरा घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता गुजर गए हैं। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है उसने मेरा पालन पोषण किया। भाई वकील है, मेरा भाई वकील है, वह पेशे से वकील है, पेशा यानी व्यवसाय। मैं भी बीए पास हूँ, मैंने भी बीए पास किया है। कोई नौकरी की खोज रहा था कि यहाँ उसने वाक्य आधा ही छोड़ दिया है। कहता है कि पढ़ लिख कर मैं कोई नौकरी की शोध में जा रहा था। एक चुप्पी सी छा गई। बोलते बोलते कहते कहते वह चुप हो गया। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। लेखक को लगा शांति छा गई तो कोई न कोई अवांछित जो इच्छा इच्छित न हो ऐसी, तो कहता है कि इसके साथ अनिच्छित घटना बनी है। उसे छेड़ा नहीं, उसे आगे कहने के लिए उकसाया नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। लेकिन ऑटो वाला फिर अपनी कहानी कहने लगा। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जी, मैं नौकरी पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में इधर उधर जा रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। ऑटो वाला मोहन कहता है कि नौकरी की शोध में चारों ओर फिर के मैं वापस लौट रहा था, तब रास्ते में एक परिचित लड़की उसे मिल गई। बदहवास सी धीधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। वो लड़की बहुत व्याकुल थी और करुणा भरे स्वर में कहती है, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन उसे पूछता है।
बोलो क्या हुआ है? मेरे माँ बाप एक अकेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। लड़की कहती है कि मेरे माता पिता एक अकेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। अकेड़ यानी बड़ी उम्र का व्यक्ति, एक बड़ी उम्र का व्यक्ति के हाथ मुझे बेच रहे हैं, यानी कि मुझे उसके हाथ में सौंप रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खसुट अकेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की कहती है, अगर मुझे अकेड़ के हाथ बेच देंगे तो मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन उस खसुट, खसुट यानी अप्रिय, जो पसंद न हो, ऐसा बड़ी उम्र का व्यक्ति के साथ तो नहीं जाऊंगी। यह ग्वालियर है। ग्वालियर में उसके बाद में उसके माता पिता की तस्वीर है, और तीसरी तस्वीर है उसमें लड़की जो अपनी हकीकत बयान करती है, वो है, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। लड़की की यह बात सुनकर असमंजस में पड़ जाना मुहावरा है। उसका अर्थ होता है सोच विचार में डूब जाना। लड़की की बात सुनकर मोहन भी सोच में पड़ गया। क्या करूं? सोचता है कि अब मैं क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? करूं तो भी मैं क्या कर सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। मोहन कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस लड़की को लेकर पुलिस थाने जाना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। लड़की को लेकर मैं पुलिस स्टेशन पहुँच गया, और जो बात थी वो पुलिस के सामने हमने रजूआत की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। बात सुनकर पुलिस वाले भी यह सोचने लगे कि इस मुश्किल के बारे में क्या कर सकते हैं। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। पुलिस वाला मोहन को कहता है कि इसकी FIR यानी फरियाद, इसकी फरियाद लिखकर उसके माँ बाप को तो मैं पुलिस थाने में कैद कर लेता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। फिलहाल यानी वर्तमान हाल की परिस्थिति में चिंता इस लड़की की है कि आखिर में क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? थोड़ी देर के लिए तो सब शांत रहे। बाद में अचानक एकाएक पुलिस वाला कहता है मोहन को कि मोहन, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने ना में सिर हिलाया। मोहन बिना बोले सिर्फ सिर के इशारे से ही ना कहता है। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो पुलिस वाला मोहन को कहता है कि तेरी शादी तो हुई नहीं, तो तू इस लड़की के शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं तो एक आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। तो मोहन कहता है कि पुलिस वाले ने जो आकस्मिक प्रस्ताव मेरे सामने रखा, इससे तो मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचा तो लगा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। मोहन पुलिस वाले को कहता है कि सर, तुम मुझे शादी करने को कहते हो, लेकिन इस लड़की तैयार है क्या? इस लड़की को आप एक बार पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन लेखक को बात कहते कहते मोहन कहता है कि थानेदार ने, पुलिस वाले ने जब उस लड़की को पूछा तो लड़की ने स्वीकृति सूचक स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। लेकिन, लेकिन यानी परंतु, आपको तस्वीर देखने को मिलती है, वह एक पुलिस थाने की है। लेकिन क्या मोहन,
बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। लेकिन क्या मोहन? मोहन, परंतु सो। बाबूजी, लेकिन यह भी कि भाभी अपनी बहन से। मोहन, लेखक को कहते हैं, लेकिन यह कि मेरी भाभी वह अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी और उसकी बहन के साथ मेरी शादी की बात तय भी हो चुकी थी। फिर बाद में क्या हुआ? बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। मोहन कहता है कि बाद में ने यह सोचा कि मेरी भाभी की बहन है, उसके साथ तो कोई भी अच्छा आदमी भी शादी कर लेगा, उसे तो अच्छा पात्र मिल जाएगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। भाभी जी की बहन की शादी में तो कोई मुश्किली नहीं है, लेकिन मुश्किली यह है कि इस लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ी है, मुश्किली में आ गई है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। कि मोहन कहता है कि लड़की देखने में सुंदर है और जानी पहचानी है, और सबसे यह बात तो यह है कि यह संकट में है। सबसे महत्व की बात तो यह थी कि आज उसकी जिंदगी में खतरा आ गया है, उसका जीवन में संकट आ पड़ा है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन इस लड़की के साथ अगर मैं विवाह करूँ, शादी करूँ, तो वह प्रीतिकर, प्रीतिकर यानी मन को अच्छा लगे, ऐसा मन भावन भी होगा, और मानवता की दृष्टि देखें तो वह भी एक मानवीय कार्य होगा। लेकिन बाद में मोहन फिर से लेकिन बोलता है, फिर लेकिन लेखक कहता है, फिर लेकिन यह तस्वीर आपको एक लड़की जो उसकी भाभी जी की बहन है। हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। मोहन कहता है, फिर लेकिन का अर्थ यह है कि अब समस्या यह है कि शादी तो इस तरह नहीं हो जाएगी। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मोहन कहता है कि जो वह लड़की फिर अपने घर जाएगी तो फिर उसका माँ बाप उसे बेच देंगे। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। समस्या यह थी कि मैं उस लड़की को अपने घर ले जाऊँ तो उसको देखकर मेरे भैया भाभी मेरे इस कार्य से नाराज होगे, मुझसे खफा होगे, और इसके माँ बाप मेरे ऊपर अपनी लड़की भगाने का केस भी कर देंगे। जब मैंने थानेदार को के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। जब मोहन अपने इस प्रश्न को, अपनी समस्या को थानेदार के सामने कहते हैं तो थानेदार यह सुनकर कहता है कि मैं इस लड़की को कुछ दिनों के लिए, नारी निकेतन संस्था है, इसमें विधवा त्यक्ता, त्यक्ता यानी पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री, अनाथ, इसको आश्रय मिलता है, तो नारी निकेतन केंद्र में उसे रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। इसके सिवा अपने माता पिता के विरुद्ध फरियाद लिखवा कर भी रख देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। इस तरह 15 दिन वो लड़की को संस्था में रखा, और 15 दिन के बाद एक मंदिर में थानेदार ही उससे मोहन की शादी करवा देता है। यह उस लड़की का शादी का तस्वीर है। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं?
लेखक कहता है कि मोहन ऐसे पुलिस वाले कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम जो अपनी कहानी मुझे कह रहे हो उस पर मुझे विश्वास नहीं होता, लगता है कथा सुन रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। ऑटो वाला लेखक को कहता है कि बाबूजी, तुमको जो लगता है कहानी सुन रहा हूँ वह सही है, लेकिन यह थानेदार है, वह एक थानेदार के साथ साथ उसका हृदय कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। जहाँ जहाँ कवि सम्मेलन होता है वहाँ यह थानेदार अपनी लिखी हुई कविताएं कवि सम्मेलन में पढ़ता है और उनकी सभी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है। लेखक मोहन की यह बात सुनता है, बात कहता है कि हाँ, तो हो सकता है कि थानेदार ने तुम्हारी मदद की है। भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। कहता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र हो जहाँ कोई ना कोई ऐसा मसीहा, मसीहा यानी देवदूत, देवदूत दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए। मोहन आगे की बात करता है, बात क्या हुआ, तो उसके भाई भाभी, उसने इस लड़की के शादी की तो वह उससे निराश हो गए, नाराज हो गए और हमें घर से निकाल दिया। उसकी नाराजगी के कारण हमें घर में भी रहने नहीं दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। एक तो यह कि मैंने भाई की साली से शादी नहीं की और जो लड़की से शादी की वह किसी और जाति की थी, अपने जाति की नहीं थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। कहता है तो वो लड़की से शादी करके वह ग्वालियर आ गया। तस्वीर में आपको ग्वालियर का, ग्वालियर शहर का दिखने मिलता है। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था। मोहन कहता है कि घर से निकाल देने पर आगरा में रहकर हमारा निभा करना, जीवन चलाना, वह तो बहुत मुश्किल था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से ही अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। मोहन आगे लेखक को कहता है कि पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, वह दूसरे जगह आ गए, आगरा छोड़कर ग्वालियर आ गए, तो ग्वालियर में तो अपना कहने लायक कोई था ही नहीं, किंतु वह परायापन अपनेपन से अच्छा है, जो अपनापन दिखाए इससे तो अच्छा है, जो अपना हो वह भी उसके साथ अप्रीतिकर व्यवहार, जिसमें प्रेम लागणी न हो, ऐसा व्यवहार हमारे साथ करे तो वह हमारे तन और मन दोनों को पीड़ा पहुंचाता है। हाँ, सही कह रहे हो। लेखक कहते हैं, क्या तुमने जो कहा वह सही है, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी। मोहन कहता है कि मैं नए शहर ग्वालियर में आया तो यहाँ कोई नौकरी तो थी नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। ग्वालियर में आके ऑटो चलाने का काम मैंने शुरू किया और ऑटो से अपना जीवन चला रहा हूँ, गुजार रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। मोहन की यह बात सुनकर लेखक कहता है, वास्तव में, हकीकत में मोहन, तुम महान व्यक्ति हो।
बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेखक कहते हैं, जो समाज में बड़े लोग होते हैं वह नारी हित के भाषण देते हैं, नारी के बारे में बहुत बड़ी कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन वही लोग अपने व्यवहार में लिखे हुए कोई भी कार्य नहीं करते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया। लेकिन मोहन, तुमने तो एक सहज भाव से जो लड़की संकट में आ पड़ी थी, उसकी जिंदगी में समस्या आ गई थी, उसको तुमने समस्या से बाहर निकाला और तुम्हारे जीवन में मान पूर्वक उसे अपना लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। यहाँ मोहन कहता है कि मैंने जो कार्य किया उस लड़की के शादी की, इससे मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। उस लड़की के जीवन में उससे शादी करके मैंने उस पर एक उपकार कर दिया, उसका जीवन उद्धार दिया, सफल कर दिया। परंतु वह लड़की प्रायः मुझे जब भी जीवन में मुश्किलें आती है तो वह मुश्किलें में से बाहर वो लड़की ही मुझे निकालती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेखक को मोहन की इस बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उसके मन में उसका मान बढ़ गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। अब लेखक को जाने का समय हो गया था, इसलिए मोहन ऑटो में लेकर उसके स्टेशन पहुंचा जाता है। उसमें 500 रुपये का नोट देने लगा। लेखक उसे 500 रुपये किराया के रूप में देने लगता है। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। मोहन कहता है कि यह किराया बहुत ज़्यादा है, नहीं लेना। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। तब लेखक कहते हैं, यह मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, वह कोई दान नहीं देता, लेकिन तुमने जो मेहनत की है उसका फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। तब मोहन उसे कहता है कि साहब, मुझे बचपन से ही माँ बाप का प्यार तो नहीं मिला है, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। जब कल तुम ग्वालियर आए और तुमसे मुलाकात हुई, तुमसे बातचीत हुई, तब से मुझे यह लग रहा है कि मुझे अपने माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। मोहन कहता है, माँ बाप के सुख के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसे तो मैं और लोगों से कमा लेता हूँ, पैसे तो मैं अपना ऑटो चलाकर दूसरे लोग से भी कमा लूँगा। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। तब लेखक कहते हैं, लेकिन बेटा मेरे बारे में सोच, जब तुमने मुझे माँ बाप माना है तो मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकूँ। लेकिन यह तो बहुत है। मोहन कहता है, लेकिन तुम जो मुझे किराया दे रहे हो वह तो ज़्यादा है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। जो मैं 500 रुपये ले लूँगा तो मैंने तुम्हारा शोषण किया है, ऐसा हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगे। मोहन ऐसे कहते कहते 500 का नोट लेकर 300 रुपये लेखक को वापस देने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। मोहन कहता है, मुझे इतना पराया न माने, अपनेपन का सोचे। जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा। तुम जब भी ग्वालियर आओ तब
तुम मुझे फ़ोन करके बुला लेना। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? लेकिन लेखक कहते हैं कि हाँ, जब भी ग्वालियर आऊँगा तुझे ही फ़ोन करके बुला लूँगा, लेकिन एक शर्त रखी है। मोहन कहता है, वह कौन सी शर्त? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। तब लेखक मोहन से कहता है, जो मैं तुम्हें अपनी मेहनत का फल देता हूँ वह तुम्हें लेना ही पड़ेगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। तब मोहन वापस देते हुए 300 रुपये भी अपनी जेब में रख लेता है। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? जैसे मोहन लेखक को प्रश्न करता हो कि आपने जो शर्त रखी वह भी अजीब रखी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहो क्या? मोहन पूछता है कि आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ गया है, तो मेरे पास आपका नंबर है तो मैं कभी कभी आपको फ़ोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक कहता है कि हाँ भाई, तू फोन करना, तेरा फोन आने से मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन कहता है, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं है, तुम्हारा फोन नंबर तो पास है लेकिन नाम नहीं पता। मैं हूँ सत्य केतु और पत्नी है कामना। तब बताते हैं कि मेरा नाम सत्य केतु है और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हुए हमें निखारता रहा। जब मोहन लेखक को स्टेशन पर छोड़ने जाता है, लेखक जब वहाँ से उतरकर स्टेशन जाते हैं, तब मोहन अपनी आँखों में अपनापन लिए हुए लेखक और उसकी पत्नी को देखता ही रहता है। तस्वीर में आपको जो देखने मिलता है वह अपनापन लिए हुए देखता है।